तो फोर लूप के में आपको स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दोनों में होने चाहिए, तभी आपका वर्क करता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन नहीं पता होता है। हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि एक सिलेक्टेड एरिया पे आपका स्टार्टिंग पोजीशन घटते बढ़ते रहता है, और उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें एक सिलेक्शन देना होता है, पाइवट लगाना है तो पाइवट में एक सिलेक्शन देना होता है, फिल्टर में सिलेक्शन देना होता है। उसी तरीके से हमें अगर यूज अपना वीवीएम क्या बोलते हैं लूप यूज करना है, सामने से देख लो कि इसमें मुझे जो गेट देते हैं 45 है उसको ए करना है, लेकिन हम तो चलो ए कर लेते हैं कि पूरा एरिया। अगर हम लूप लगाए तो हम लूप में काउंट, यहाँ काउंट ए और यहाँ काउंट ए लगा के हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो एंड मेथड है एंड मेथड से हम यूज कर सकते हैं। मेरा पहला होता है कि हम कोई एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मुझे इसके अंदर जो गेट देते हैं 50 है वो चलाना है। तो यहाँ पे आपका लूप का सेक्शन वर्क नहीं करता है जो अभी तक जो आपने लूप पढ़ा है। तो लूप में एक और पार्ट होता है फॉर लूप में, फॉर इच। तो चलिए आज आपको मैं फॉर इच के बारे में बताता हूँ। फॉर इच से पहले हम सिलेक्शन में कर रहे हैं, तो एक सिलेक्शन के लिए मुझे एक रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, डिम आर एज ए रेंज। आर क्या है, एक रेंज है। लिखते हैं फोर इच आर इन सिलेक्शन, मतलब कि फोर इच आर इन सिलेक्शन, मतलब कि हर एक सिलेक्शन के पार्ट में जाए और चेक करे कि इफ आर डॉट वैल्यू। अब आर जो है हमारा वही है जो कि एक सेल पे होते हैं, राज पे, आर पे वो सारे ऑपरेटर आएंगे जो कि एक सेल पे आते हैं। आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50 देन आर डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड एंड इफ एंड नेक्स्ट आर। अब मैं इस पर रन करता हूं, उतने एरिया में चला, बाकी एरिया में नहीं चला। तो ये आपके सिलेक्शन के पार्ट होता है, जिस पे सिलेक्शन भी आप करना चाहते हो उसी सिलेक्शन पे ये वर्क करता है। तो फॉर इच समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए फॉर इच का एक और एग्जांपल देते हैं ताकि फॉर इच का आपको अब महत्व समझ में आ जाएगा। पता है फॉर इच बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, जहां पे आप यूज कर ये करना चाहते हो कि आप किसी वर्ड पे वर्ड के ऊपर यूज करना चाहते हो, पता है कि जहां एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर यूज करना चाहते हो। अरे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको इजीली एमएस वर्ड के अंदर सेलेक्ट करके अपर केस लोअर केस मिडिल केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम होती है एक्सेल के अंदर में, कि एक्सेल के अंदर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अब मुझे इस एरिया पे पूरे पे जाके इस सब को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करने, तो कैसे करोगे सर? नॉर्मल एक्सेल में कोई इसका ऑप्शन है? नॉर्मल एक्सेल में आपको अपर लेके एक रो एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर अपर की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लोअर की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन लोअर अपर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मेरा सिलेक्शन मेथड काम आएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा लूप शब्द
डिम आर एज ए रेंज फॉर ईच आर इन सिलेक्शन फॉर ईच आर इन सिलेक्शन उसके बाद लिखेंगे हम कि r डॉट वैल्यू इक्वल टू हो यू केस या एल केस, अपर केस के लिए यू केस, लोअर केस के लिए एल केस, r डॉट वैल्यू एन ई एच नेक्स्ट r, सिंपल सा हमने लाइन लिखना पड़ा। उसके बाद एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस माइक्रो को आप रन कर दीजिए। देखा, तो इस सिलेक्शन मेथड का यूज होता है। तो फॉर ईच का मैंने दो एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल काफी है कि और एग्जांपल दूं मैं आपको? हाँ पंकज जी, क्या सर? देखिए फोर ईच हम वहां पे लगाते हैं जहां पे आपको रन करवाना है सिलेक्शन पे, एक पार्टिकुलर रेंज पे। क्योंकि आप फोर लगाते हो तो फोर में क्या होता है, रिपीटेशन होता है स्टार्टिंग टू एंडिंग। लेकिन हाँ, जैसे कि यहां क्या बोले सर आपने? नहीं, फोर ईच आपको रेंज पे लगता है, यहां पे आपको एक रेंज देना पड़ेगा बस। चाहे सिलेक्शन भी सिलेक्शन दे दोगे तो यूजर इतना सिलेक्ट करेगा उस पर रन करेगा, या फिर आप यहां पे दे दोगे कि रेंज ए 5 से सी 15, ठीक है ना सर? यहां पे नहीं कर सकते, पूरे वर्कबुक में चले जी नहीं, ये यहां पे नहीं यूज होगा, ठीक है? मतलब कि जैसे आप ये समझो ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही ले लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आप एरिया सेलेक्ट करते हो। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसी कुछ चीज बनानी हो तो क्या करोगे, सिलेक्शन पे अप्लाई करोगे ना। कलर अप्लाई करने का, ये जो कलर अप्लाई करने का कोड है वो किस पे अप्लाई होता है? सिलेक्शन पे अप्लाई होता है ना। सिलेक्ट एरिया सेलेक्ट करते हो, देन कलर अप्लाई करते हो, देन बॉर्डर अप्लाई करते हो। तो ये भी जिस मेथड, इसी में सेम मेथड है कि अगर इस तरह कुछ बनाना हो जहाँ पे आपको एरिया स्पेसिफिक पता ना हो कि भाई वो कौन से सीट के कौन से फाइल के किस एरिया में होगा, आप इतना करना चाहते हो कि यूजर विल बी सिलेक्टेड बिफोर द रनिंग द माइक्रो। ओके, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। हाँ, सिलेक्शन इज कमेंट है। हाँ, सिलेक्शन में क्या होता है, डायनेमिक हो जाता है, फिर आप कहीं मतलब किसी भी डेटा के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे चल के आप मान लो ना कि आपको आपके पास मैं रिपोर्ट बनाने की आई, मतलब कि 20 सिटी का रिपोर्ट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैक्रो बनाया जो कि आपके पास 20 सिटीज है, 20 सिटी की रिपोर्ट वन टाइम में क्रिएट कर देता है, ठीक है ना? उसमें आपने लगाया कि फोर लूप लगाया कि 4 1 to 20, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि एवरी टाइम आपको 20 सिटी का रिपोर्ट बना के देगा, बट इन फ्यूचर में आपको ज़रूरत हो गया कि नहीं मुझे 3 सिटी का रिपोर्ट बनाना है, तो आपको माइक्रो में जाके चेंज करना पड़ेगा, या फिर पूरे 20 सिटी बनाएगा 3 सिटी निकालने पड़ेंगे, 17 सिटी फालतू में बनाएगा वो। तो वहां पे आप लगा सकते हो कि यूजर जितना सिलेक्ट कर रहा है लूप विल बी राउंडिंग सेम टाइम सेम नंबर ऑफ सिलेक्शंस, तो इस तरीके से टैब मार कर चलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, लूप जो चलता है अगर आपने सिलेक्शन किया है तो लूप चलता है इस तरीके से, फॉर ईच चलता है इस तरीके से, ठीक है? अगर आपको जरूरत पड़ा इस तरीके से तो फिर आपको फोर
जो डबल मेथड मैंने बताया था उसी डबल मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर ईच इसी तरह से चलता है, जो मैंने आपका प्रोजेक्ट दिया था उस प्रोजेक्ट में फॉर ईच यूज नहीं हो सकता था, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर ईच हमको समझ में आ चुका है, बाकी सब वही मेथड सेम है। अब जैसे कि आपने आर एज ए रेंज लिया ना, जहां जहां रेंज आप जहां जहां एक पार्टिकुलर सेल की वैल्यू चाहिए वहां पे आप रेंज आर यूज कर सकते हो, क्योंकि आर हर बार चेंज होता है। कि अगर पहला बार अगर मान लो सिलेक्शन कर रखा है तो पहला बार आर इक्वल आर आर का है इक्वल टू ए वन है, ठीक है ना। जब दूसरी बार चलेगा तो आर हो जाएगा बी वन, तीसरी बार हो जाएगा आर हो जाएगा सी वन, डी वन, ई वन, एफ वन, देन वापस टू थ्री फोर, इस तरह से। तो हर बार अपना अपना जो है ना असाइनमेंट चेंज करते रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि हमें आर आर कोई वेरिएबल नहीं है, आर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेंज है। अगर हम रेंज ए वन डॉट वैल्यू लिखते हो उसके जगह पे आर डॉट वैल्यू लिखो, दोनों सेम रहेगा, ठीक है सर। अब बारी आती है डू लूप की। हमने फोर लूप फोर के दोनों पार्ट पढ़ लिए, अब बारी आती है डू के दोनों पार्ट को पढ़ने के लिए। तो लूप का जो अगला हमारा चैप्टर है डू लूप है। डू के अंदर में एक वाइल होता है, एक अंटिल होता है। हम इसी चीज को लेते हैं यहां पे, मान लीजिए यहीं पे हम एक चीज लिखते हैं। आप डू लूप का देखो, लूप आपका लूप का कंसेप्ट जो आपने पूरा समझ रखा है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, कहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। तो जैसे कि ये लूप लूप है, अभी फोर लूप में क्या होता है कि फोर लूप में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग तो पता है कि भाई स्टार्टिंग फर्स्ट से होगा, लेकिन एंडिंग आपको पता नहीं। एंडिंग पे कंडीशन है कि इस कंडीशन तक एंडिंग पोजीशन हो सकता है, उस केस में हम डू वाइल लूप लगाते हैं। मैंने किया डिम आर एज ए इंटीजर और मैंने आर इक्वल टू वन असाइन कर दिया, फिर बोला डू वाइल, बोला सेल आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद मैंने बोला एक और यहां पे साइन करते हैं डिम आर वन देते हैं, इसी में आर वन ऊपर ही दिख देते आर वन। आर वन इक्वल टू वैल्यू, फिर कंडीशन देते हैं कि इफ आर वन इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज दोनों मेथड यूज कर सकते हो आप। ये आपका डू लूप है। अभी क्या करेगा, देखो हमने कंडीशन दिया कि लूप कब तक चले, जब तक कि तब तक लूप चलते रहे जब तक सेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमने एक कंडीशन दिया कि लूप की जो चलने की कंडीशन है कि लूप कितना टाइम चले, उसके कंडीशन दिया कि जब तक मेरा वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है तब तक ये चलता रहे।
और मैं यहाँ पे हर बार आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फोर लूप तो है नहीं जो ऑटोमेटिक आई इंक्रीज होते रहेगा, तो यहाँ पे हर बार मैं आर को इंक्रीज कर रहा हूँ। पहला फर्स्ट टाइम किया आर वन है तो ए वन को चेक करेगा, सेकेंड टाइम आर टू आर थ्री आर फोर, ऐसे हर बार बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक कि आर 147 नहीं हो जाता और 147 की वैल्यू जीरो नहीं। पर जब तक एक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक ये चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स होगी अपने आप इसका बंद हो जाएगा, आपका मैं एग्जिट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ माफ कीजिएगा, नहीं नहीं सही है, और नीचे के देखा। तो आप लूप का लूप चलाना चाहते हो कब तक, जब तक कि कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती है, उस केस में हम डू वाइल लूप लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा डू वाइल लूप क्या होता है कि फर्स्ट रन करता है, फर्स्ट आपको चेक करता है देन रन करता है, ठीक है, फर्स्ट चेक करेगा देन रन करेगा। लेकिन इसी में एक लूप होता है आपका, क्या हुआ सर, हाँ कुछ भी हो जाए एक बार तो चलेगा ही, एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, मतलब वो पहले रन करता है देन चेक करता है। इसलिए हमें यहाँ पे r इक्वल टू जीरो वन असाइन किया गया है, अगर मैं यहाँ पे r इक्वल टू वन असाइन न करूँ तो यहाँ पे r जीरो हो जाएगा, आगे को चलने ही नहीं देगा फिर वो। लेकिन इसी में एक होता है डू अनटिल, डू अनटिल क्या होता है कि पहले चलता है देन चेक करता है, नहीं सर ये ए आपका पहले एक बार नहीं चलेगा, कम से कम एक बार नहीं चलेगा, वो अलग है, एक कंडीशन जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक वो चलने ही नहीं देगा, अगर माने एक बार भी नहीं चलेगा फिर ये, वो होता है आपका डू अनटिल। डिम आर एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने लिखा फोर, सॉरी माफ कीजिएगा, डू अनटिल, अनटिल में एक ही होता है अनटिल, हमने बोला लेन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन, ओ माफ कीजिएगा ध्यान नहीं लग रहा, इफ का ना कंडीशन इफ ही याद आती है। इसके बाद मैं बोला R इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंड एंड लूप। अब एक देखिए ये क्या होगा कि जब हम जब इसको रन करेंगे तो जब तक मैं इसके अंदर में कोई नाम नहीं डालूंगा तब तक ये ओके नहीं होगा, जब यहां मैं नाम डाल दूं देन विल बी ओके। इसमें देखिए क्या हुआ कि एक कुछ भी हो जाए एक बार तो रन जरूर करेगा, हमने क्या दिया कि डू अनटिल लेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर पे जब तक जीरो के बराबर, जीरो के बराबर ना हो वैल्यू तब तक ये ना, तब तक ये चलता रहे। यहां पे क्या होता है कंडीशन आपका फुलफिल होता रहेगा तब तक चलता रहेगा। ये क्या होता है सेम ये भी काम करता है कि कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक इसको अपीयर करते रहेगा, जैसे कंडीशन फुलफिल हो गया ऐसे एग्जिट कर देगा। मतलब क्या हुआ अगर इसके इसकी लेन जो है नॉट इक्वल टू जीरो मिल गई तो ये बाहर आ जाएगा। ये क्या था कि जब तक इसकी सेल की वैल्यू मिलती रहेगी नॉट इक्वल टू जीरो तब तक ये चलता रहेगा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब ये कि जब तक इसको पैसा मिलता रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा। एक ऐसा मजदूर है आपका डू वाइल, जब तक इसको पैसा मिलता रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा, ये ऐसा मजदूर है कि एक बार इसको पैसा मिल गया तो काम छोड़ देगा, जैसे कि हमने इनपुट बॉक्स में वैल्यू डाल दी तो हट जाएगा, जब तक इनपुट बॉक्स में वैल्यू अगर मिल रहा है तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है सर। और ए कम से कम एक बार तो रन जरूर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर इक्वल टू कुछ लेटर अप्लाई नहीं किया।
अगर मैं यहीं पे डू वाइल लगाता तो मुझे आर पे वैल्यू साइन करना पड़ता, क्योंकि चल तब तक फर्स्ट टाइम ही टू ब्रेक हो जाते रूल्स और लूप से बाहर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आर पे तो कुछ असाइन ही नहीं है, क्योंकि जो आर पे वैल्यू असाइन हुई है वो तो हमारे थर्ड कॉलम भी हुई है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम चलेगा, सेकेंड चलेगा, देन थर्ड चलेगा, तो सेकेंड कॉलम भी आर आपका जीरो है बाहर हो जाएगा। तो ए माइक्रो आपका एक बार जरूर रन होगा, और ए तब तक रन होता रहेगा जब तक उसका कंडीशन फॉल्स है, जैसे कंडीशन ट्रू होगा लूप बाहर कर देगा इसको। लेकिन इसमें क्या है डू व्हाइल में, जब तक से कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा लूप उसको बाहर कर देगा। मैंने अपोजिट है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दिखाया इनपुट बॉक्स का, मान लो कि आपने एक ऐसा मैक्रो बनाया है जो कि आपको पाइवट से रिपोर्ट निकाल के देता है, लेकिन पाइवट के अंदर में सबसे पहले आपको मंथ डालना पड़ता है, किस महीने का रिपोर्ट बनाना है आपको, मंथ के अकॉर्डिंग वो फिल्टर उठाता है। अगर मैंने मैक्रो रन किया और मैंने मंथ डाला ही नहीं तो क्या होगा, बाकी प्रोसीजर जो है आपको तो चलेगा चलेगा, और ब्लैंक ब्लैंक आएगा, पूरा एरर आ जाएगा, क्योंकि वो मैक्रो का फिल्टर मिलेगा नहीं कि जिस फिल्टर में मंथ लगाना है उसको ब्लैंक मिलेगा। इसलिए मैंने बुलाया कि भैया जब तक आप यूजर फॉर्म में नाम नहीं डालते हो, इनपुट बॉक्स में नाम नहीं डालते हो, तब तक मैं आपको आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। वन टाइम इनपुट एंटर करो, देन आप गो फॉरवर्ड। तो एक फ्रीजर की तरह काम किया, एक फ्रीज कर दिया एक पोजिशन को। कोई डाउट है इसमें आपको डू अंटिल एंड डू व्हाइल में? पंकज जी आपको तो फोर लूप आपको समझ में आ गया, फोर इच समझ में आ गया, फोर के अंदर जो हमने मल्टीपल लूप लगाया वो समझ में आ गया आपको, और आपको समझ में आया डू व्हाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा इवेंट मैक्रो का। इवेंट मैक्रो खत्म करने के बाद फिर हम फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, फंक्शन फॉर्मूलेज करेंगे। तब तक आप लोग अब साइड बाई साइड क्या कीजिएगा ना, एक्सेल के जो कमांड्स हैं उनके भी आप कोडिंग याद करते रहिएगा, क्योंकि आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का हो गया, फिल्टर का हो गया, शॉर्टिंग का हो गया, ब्लैंक्स इग्नोर करने का हो गया, एक कोडिंग भी आप याद करते रहिएगा। एक कोडिंग मैं आप किसी को नहीं बताता, इसलिए आपको भी नहीं बता रहा हूँ, एक कोडिंग आपको रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा आपको। जैसे मुझे इसमें सिलेक्शन मेथड यूज करना है तो आप सीधे जाओ गो टू यहाँ रिकॉर्डिंग कर लो, गो टू ए स्पेशल, हमने बोल दिया विजुअल सेल्स ओनली एंड स्टॉप करो। अब इसके लिए आप देखोगे मॉड्यूल 4 में यहाँ बन गया सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल एक्सेल टाइप इज विजुअल डॉट सेलेक्ट। एक्सेल टाइप में और क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ब्रैकेट ओपन यहाँ पे इसको सिलेक्शन का जगह रेंज कर दो, देन इसको आप ब्रैकेट करो, ये आपका आ गया कि आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, जो वहां पे दिख रहा था आपको एवरीथिंग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जो है इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका जो मैक्रो ऑलरेडी आपने जो एक्सेल में पढ़ा है वो चीज़ आपका एक रिपीट हो जाएगा, और दूसरा उसकी कोडिंग आपको पता चल जाएगी। तो एक ये चीज़ आप साइड बाई साइड करते रहिएगा, ये मत चीज़ें मैं आपके चीज़ें बताऊंगा, ये मैं चीज़ें किसी को नहीं बताता, क्यों नहीं बताता कि ऑलरेडी आपका एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप हेल्प भी इसको देख सकते हो। हाँ आपको कोई ऐसे टॉपिक में लगाने नहीं आता, प्रॉब्लम होती है कि सर ये तो मैं रिकॉर्डिंग में कुछ आया तो सही लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिर कैसे वर्क हो रहा है, वो चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है पंकज जी, तो मतलब कि साइड बाय साइड हर एक टॉपिक को रिकॉर्डिंग करते जाओ और रिकॉर्डिंग करके उसकी कोडिंग पढ़ते जाओ, जितने भी होम के अंदर इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू और डेवलपर तक का जो चीज़ है, ये आप यूजर फॉर्म खत्म होने से पहले तक प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है नरेंद्र जी, हाँ पूरा कर लीजिए सर, मैं होम मेनू बार का कोई भी ऑप्शन का आपको मैं कोडिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है ना।
हम आपको कोडिंग बताएंगे जो कि आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो से पॉसिबल नहीं है निकालना, जैसे कि लूप का कंसेप्ट था। लूप का कंसेप्ट आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं देता, इफ कंडीशन रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं देता, डेटा वेरिएबल्स रिकॉर्डिंग मैक्रो आपको नहीं देता, फंक्शंस आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं देगा, इवेंट मैक्रो आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं देगा। तो ऐसे कंसेप्ट आपको मैं बच्चों को बताता हूँ। बाकी तो आप रिकॉर्डिंग मैक्रो निकाल, आप अलॉन्ग में सीख ही गए हो। अब इस अभी जो आपको मैंने बताया इसमें क्या दिक्कत है, रेंज आपको पता है कि स्पेशल सेल्स है, सिंपल सी बात है। आपने स्पेशल सेल्स मतलब कि जब आपने गो टू किया तो आपने स्पेशल सेलेक्ट किया था, इसलिए स्पेशल सेल आएगा है। स्पेशल सेल में आपको क्या टाइप करना है, तो आपने विजुअल सेल्स ओनली टाइप किया था। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि एक्सेल सेल टाइप विजुअल आ रहा है, डॉट सेलेक्ट, और सिलेक्शन में डॉट क्या करती है, सिर्फ सिलेक्ट करती है, इसलिए सिलेक्ट आया है। इसलिए पेस्ट स्पेशल से लेके आपको पेस्ट से पिक्चर, पेस्ट से लिंक, फॉर्मेटिंग, डेटा वैल्यूएशंस, एवरीथिंग के पे आप इसकी रिकॉर्डिंग, प्लीज इसको रिकॉर्ड करके इसी कोड को अपने, एक हो सके तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एक नोटबुक बना के, क्योंकि इस पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्लियर बोल दूंगा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ए आपको होम मेनू के चीज़ें बताने लगा तो कोर्स आपका डेढ़ महीने में नहीं खत्म होगा, पूरे के पूरे 5 महीने लगेंगे आपको इसमें, डबल टाइम हो जाए। एक बार तो मैं आपको ऑप्शन अप्लाई करके बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग के बारे में समझाऊंगा, तो जितना टाइम एक्सेल सीखने लगा था उसका डबल टाइम समझ लो, समझ गए सर। इससे इससे आपको क्या होगा पंकज जी, आपने इससे पहले जो एक्सेल सीखा है उसकी रिपीटेशन भी आ जाएगी, हर एक फीचर्स के बारे में जान भी जाओगे, और नरेंद्र जी आपने तो आपने आपको जो आपने सीखा है उसको रिपीटेशन भी हो जाएगी, और साथ में आपका कोडिंग है कोडिंग भी आ जाएगा, ठीक है सर। तो अभी आपको काम क्या है, आपको कल इवेंट मैक्रो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप, सर सैटरडे संडे में आप सर से छुट्टी है आपकी, सैटरडे ऑफिस कितने बजे जाना है आपको, नरेंद्र जी आपकी तो 11 बजे आप लोग मिल सकते हो, 11 o'clock क्या, अच्छा मैच है, नहीं एक्चुअली 11 से 12 का भी एक बैच है जिसमें ये पंकज जी कर रहे थे, वो बैच भी आप ही के साथ चल रहा है ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करके आप दोनों को इकट्ठा कर पढ़ा दूंगा। ठीक है बताता हूँ आपको, नहीं तो फिर शाम में बताऊंगा आपको, शाम में क्लासेस हो पाएगी, संडे को तो पंकज जी नहीं ले पाएंगे शाम में क्लासेस, तो मैं सैटरडे को नहीं ले पाएंगे, संडे देखता हूँ मैं, संडे आपको शाम में दे दूंगा क्लास, ठीक है। हाँ एक दिन आप लोग तब तक आप जो आपके मेनू बार से ना, एक काम करते हैं ना, इस सैटरडे संडे क्लास नहीं करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको मैं 2-2 घंटे की क्लास दूंगा। इस सैटरडे संडे आप लोग क्या कीजिए ना कि मेनू बार का जितने भी ऑप्शंस है ना सबकी कोडिंग आप लोग बना लीजिए, एमएस वर्ड पे आप लोग, मैं हम आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है सर,